जीएम फाउंडेशन के प्रोडक्शन हाउस ग्लोबल मिडास कैपेसिटी जीएमसी ने कानपुर फाइल्स नामक एक फिल्म बनाने की घोषणा की है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रोड्यूसर सरदार इंद्रप्रेत सिंह ने आज कहा कि उनकी फिल्म 1984 के सिख नरसंहार की वास्तविक घटनाओं पर आधारित होगी। फिल्म का पूरा नाम द कानपुर फाइल्स 1984 सिख जेनोसाइड है। इस डॉक्यू ड्रामा फिल्म में 1984 के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सिखों के खिलाफ हुए पूर्व नियोजित हमलों, सामूहिक हत्याओं, लूटपाट और हिंसक घटनाओं को तथ्य के सबूतों, गवाहों और पीड़ितों के बयानों के साथ पर्दे पर लाया जाएगा। सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने कहा कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अफसोस की बात यह है इतने साल बीतने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और न ही पीड़ितों को न्याय मिला है। फिल्म कानपुर फाइल्स 1984 सिख नरसंहार की रिलीज डेट 31 अक्टूबर 2023 रहने की संभावना है। सरदार इंद्रप्रीत सिंह का कहना है कि उनकी फिल्म लोकतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों के एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इसके आधार पर 1984 के सिख नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भी मामला उठाया जाएगा। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल। एक ग्लोबल मिडास कैपिटल हमारा प्रोडक्शन हाउस है, जिसके अंदर पहले 2 साल लगा के हमने लास्ट ईयर 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि 78 साल हो गए तो अभी रिहैबिलिटेशन किया हुई है विक्टिम्स की और विटनेसेस की। उसी के चलते हुए हमें तब मुलाकात हुई कुलदीप सिंह भोटे जी के साथ, जो मेरे राइट पर बैठे हैं, और दसून कुमार जी के साथ, जो मेरे लेफ्ट पर बैठे हैं। तब मुझे पता चला कि कानपुर की भी ये अलग कहानी है और भारत का आज तक इतनी तरीके से इतने साल हो गए बट निकल के कभी भी समाज के सामने नहीं आया। तो उसके बाद अब हमारा ये थर्ड ईयर है जो 84 से रिलेटेड अलग अलग जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हमें एक कानपुर फाइल्स करके डॉक्यू ड्रामा बेस्ड फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है। अब ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, फिल्म को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक रिलीज कर दें। काफ़ी काम इसमें हो चुका है तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में उसके इनसाइट्स देने के लिए आपको बुलाया गया यहाँ पे। तो पहले मैं सारे प्रेस वालों को थैंक यू करता हूँ कि ये सब कुछ निकालने के लिए। जब ये मुझे पता चला 34 लोगों ने मारा, वो मारा किसने आया, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, कुशवाहा जो थे वो मिनिस्टर थे, उनका जो भतीजा है, जैसे यहाँ पे सज्जन कुमार है, ऐसे ही कानपुर में ये कुशवाहा है जो अभी तक फरार है, हाई कोर्ट से उसकी जमानत कैंसिल हो गई है और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी हमने वो जो केस है विचार नहीं दिया। उसके बाद हम उस काम में लगे, हमारे साथ जो प्रसून कुमार जी जो मेरे वकील थे, मैंने इनसे बात की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने मुझे कहा राजनाथ सिंह जी ने कि नवंबर 1984 के जो कॉलोनी है जिसको लोग विधवा कॉलोनी कहते हैं, मैं कहा वो विधवा कॉलोनी नहीं है, उनको किसी के मारा नहीं, उनको उनके पति को, उनकी बहनों को, उनके बेटों को यहाँ जिंदा जलाया गया है तिरप गया वहां पे। उन्होंने कहा कि हम बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार।